सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और आज मैं अपनी ही गाड़ी का आपको एक सीएनजी का रिव्यू देने जा रहा हूं गाइस। तो सामने लुक देख के बता दिया गाइस, ये हमारी मारुति सुजुकी बलिनो अल्फा वेरिएंट, टॉप एंड वेरिएंट गाइस, हमने लिया था 2017 में। और उस टाइम इस गाड़ी की कीमत गाइस 8,14,000 रुपये थी, और आज के टाइम पर अगर आप नई वाली बलिनो को देखते हो गाइस, वो ओवर 10 लाख पड़ती है सेम अल्फा वेरिएंट के लिए। तो आज मैं गाइस इसमें अपना इंडिविजुअल जो पर्सनल मेरा जो सीएनजी का रिव्यू है इस गाड़ी के अंदर, मैं बाय द वे सीएनजी लगवा चुका हूं और सीएनजी का एक्सपीरियंस अभी मुझे 1.5-2 महीने से चलाते हो गया, तो आज वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं। क्योंकि गाइस अभी हमने सुना है कि बलिनो के अंदर, चाहे आप ग्लैंजा ले लीजिए टोयोटा वाले जो आती है, उसके अंदर आपको सीएनजी के ऑप्शन मिलेंगे। तो गाइस आज के टाइम पे जमाना है आपकी टाटा मारुति कोई भी कंपनी ले लीजिए गाइस, सभी सीएनजी गाड़ियों के पीछे पड़े हुए हैं। और हमने भी इसको 5 साल चलाने के बाद, मतलब इन द सेंस कि मैंने 2017 में इस गाड़ी को लिया था और उसके बाद 5 साल चलाने के बाद हमने फाइनली इसके अंदर सीएनजी लगवाई। तो गाइस ये है इसका अल्फा वेरिएंट, टॉप एंड वेरिएंट होता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं, चाहे स्टार्ट स्टॉप बटन ले लीजिए, उस कंडीशन में कितनी फिजिबल रहती है आपकी सीएनजी लगवाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट रहते हैं कि हम बेस वेरिएंट, हमारे पास बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट है तो ही हम सीएनजी को लगवाएं, या फिर क्योंकि आप कपलर अगर आप इसके अंदर लगवा रहे हैं जो सीएनजी की फिक्सिंग करवाएं, हो सकता है गाड़ी की इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी खराब हो जाए। तो आज वो डाउट आपके क्लियर करूंगा, गाड़ी कितनी एवरेज देती है सीएनजी के अंदर उसके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, और सीएनजी की फिक्सिंग गाड़ी के अंदर कैसी उसके बारे में बात करते हैं। तो ये वैसे गाइस लुक तो आपने देख लिया सामने से, ये बलिनो अल्फा है और 2017 वेरिएंट है, ये 8,14,000 के आसपास हमने उस टाइम ली थी। गाड़ी के अंदर सब कुछ मिलता है, यूवी टिंटेड ग्लासेस तक इसके अंदर मिलते हैं जो कि आजकल नई बलिनो में नहीं मिल रहे, और यहाँ पे आपको जो है एलॉय व्हील भी ऐसा कुछ मिला करते थे उस टाइम पे। गाड़ी बहुत शानदार है गाइस, एलईडी डीआरएल्स के अंदर मिलते हैं, हैलोजन के अंदर फॉग लैम्प दे रखे हैं, अगर गाड़ी को अनलॉक करूं तो मैं ऐसी कुछ की दे रखी है, तो जैसे करेंगे ऐसे टिक टिक की आवाज आती है और ऐसे गाड़ी अनलॉक हो जाती है। बहुत ही शानदार प्रोजेक्टर, एलईडी मिलते हैं, बहुत शानदार लुक लगती है गाड़ी की रात में, मैं कभी दिखाऊंगा आपको। पीछे इसका मेन चीज है, सो बूट को एक बार ओपन करो टेल गेट के, ये लगवा रखी गाइस मैंने अपनी सीएनजी, इसको मैंने लगवाया था 43,000 के आसपास, तो काफ़ी बढ़िया सिलेंडर फिक्सिंग है, आफ्टर मार्केट ये लगवा रखा है मैंने, जो बाहर सीएनजी लोग लगाते हैं, क्योंकि ये 2020 से पहले ही गाड़ी है तो हम इसको लगवा सकते हैं। सिक्वेंशियल किट आपको दे रखी, इसके बहुत ही बड़े फिक्सचर्स हैं और इसका मैं आगे बटन भी दिखाऊंगा आपको। तो बेसिकली सिक्वेंशियल में और मैनुअल होता है, सिक्वेंशियल में आपको ऑटोमेटिक गाड़ी शिफ्ट होती रहती है। उसके बावजूद गाइस सीएनजी के अलावा, मतलब प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करूं, तो बहुत सारा स्पेस मुझे बूट में मिल गया अभी भी, मतलब देख सकते हैं मैं यहाँ भी सामान रख सकता हूँ, पूरा पॉकेट्स में साइड में यहाँ भी सामान रखता हूँ। तो बलिनो में ये बेनिफिट है, अगर आप फ्यूचर में आप बलिनो आप लेने जाएंगे सीएनजी वाले, तो आपको बहुत सारा बूट स्पेस बचा अगर यही साइज का सिलेंडर मिलेगा तो, क्योंकि इसके अंदर गाइस आपको 7 किलो सीएनजी आ जाती है और रफली दिल्ली का प्राइस अभी 60 चल रहा है, तो 420 के आसपास भरवाता हूँ, और 420 जब ये फुल हो जाती है तो एसी ऑन में 160 से 170 किलोमीटर गाइस अभी भी ये चल जाती है। मतलब मैं दिल्ली जाता हूँ, सोनीपत में मैं रहता हूँ, सोनीपत से दिल्ली, दिल्ली से वापस आता हूँ और वापस मैं दिल्ली भी चलाऊँ तब भी ये खत्म नहीं होगी, तो प्रिसाइजली मान के चलिए कि 160-170 किलोमीटर विद एसी चल जाती है गाड़ी। बाकी गाइस इतनी बढ़िया लुक के साथ आती है, अभी जैसे मैंने इसको लगाया तो पहले तो मैंने इसको नहीं चलाया था, बट अब हम इसको थोड़ा ज्यादा चलाने लग गए हैं। बाकी पहले भी गाइस लेग रूम स्पेस काफी बढ़िया आता था, इतने वाइड डोर्स हैं, इसका जो कैबिन एरिया वो इस बहुत शानदार सा लगता है, यूवी टिंटेड ग्लासेस तो ये बहुत बढ़िया लगता है। बाकी इसका इंटीरियर है वो बहुत शानदार है, और थोड़ा सा गाड़ी के अंदर से बात करते हैं, गाड़ी कितनी कुछ चल चुकी है। सो जैसे मैं दिखा रहा था आपका सीएनजी का यहाँ पे दे रखा है, सो गाड़ी का एक बार ओपन करता हूँ। सो गाड़ी बहुत शानदार है गाइस, मतलब हल्का सा आवाज करती है, मतलब सीएनजी भी लगी है, अब जैसे शिफ्ट भी होगी तो अभी रेड चल रही है, मतलब पेट्रोल पे ऑन हुई है, तो जैसी होगी तो ऐसी टू की आवाज आएगी और एक ग्रीन करके सीएनजी भी चली गई। सो ये चीज़ है गाइस, और मतलब ये चीज़ मान के चली गई 420 रुपये में अगर गाड़ी 160 से 170 किलोमीटर एसी में चल रही है, समर्स का टाइम अभी चल रहा है, तो कितना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी अब ये गाड़ी हो गई। नहीं तो पहले तो गाइस देख सकते हैं ये एवरेज फील इकोनॉमी ऐसे 12-13-14 एस्ट्रेस पेट्रोल में रहती थी, हम हाईवे पे से लेके जाते तो बहुत उस टाइम कम चलती थी, बट अब गाड़ी गाइस 37,240, मतलब ये सीएनजी में भी 7-8,000 किलोमीटर भी चल चुकी है पिछले 2-2.5 महीने के आसपास में। सो गाइस डेली रनिंग हो चुकी है गाड़ी, बहुत बढ़िया है। अच्छा एक और डाउट रहता है अगर लोगों का कि इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन में आपके मैकेनिक्स कैसे रहते हैं, तो शुरू में बताता हूँ गाइस क्या होता है कि स्टार्टिंग में इसने लगाई थी, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हुई थी इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, मुझे शायद इसकी जो कपलर इसने बनाया था इसकी सीएनजी फिक्सिंग के लिए वो बेटर नहीं हुआ था, बट जब मैंने एक बार इसे ठीक कराया तो उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ड्राइवेबिलिटी अगर मैं बात करूँ तो गाइस अभी गाड़ी मुझे मतलब बहुत बड़ी लगती है। एक चीज़ अगर आपने कभी बलिनो ऑन की होगी तो आपको पता होगा कि बलिनो के जो चेसिस है थोड़ी सी वीक है और सस्पेंशन थोड़ा पीछे ज़्यादा मिस होता है, बट अब गाइस जब से मैंने सिलेंडर लगवाया है उसके अंदर गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी बहुत बैलेंस ही लगने लगी और गड्ढों पे जो सस्पेंशन है गाड़ी को इतने महसूस नहीं होते, थोड़ा सा गाड़ी दब भी गई है बट अब मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगता है पहले कंपैरिजन में। और बाकी सीएनजी में ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आया है। बाकी ड्राइवेबिलिटी में यही है गाइस कि आपको क्लच को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि जो आफ्टर मार्केट जो पेयरिंग होती है वो इतनी ज्यादा बेटर नहीं होती है, मतलब क्लच का मतलब ये क्लच आपको थोड़ा सा टाइट ही दबाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका लॉन्ग ट्रैवल है तो क्लच को आप अच्छे से दबाएंगे तो गाड़ी बंद नहीं होती, बट कभी कभी जैसे मैं चला रहा हूं तो जाम में और मैं कभी कभी ढेर तो गाड़ी कभी कभी बंद भी हो जाती है, तो ये थोड़ा सा एक इशू होता है। बाकी आप चाहें तो जैसे अब कंपनी अगर देंगी तो कंपनियां तो गाइस मतलब बढ़िया तरीके से फिक्स करके देंगे, तो उसके अंदर आपको ये नहीं प्रॉब्लम होने वाली। बाकी मेरा ऐसे रिकमेंडेशन रहता है कि अगर आप
जैसे इसका जेटा या डेल्टा वेरिएंट जो आता है, जो नीचे वाले वेरिएंट से, उसके अंदर आप लगवाएं, जहाँ पे स्टार्ट ऑफ बटन ना वहाँ लगवाए तो वहाँ ज़्यादा ये वर्क करती है। बाकी सही है, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसी कूलिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करते हैं सीएनजी में। आगे से दिखाता हूँ आपको गाइस क्या कुछ बोनेट में आपको डिफरेंस मिलता है, और गाड़ी की साउंड भी सुनाता हूँ, क्योंकि जब भी सीएनजी ऑन है और डीआरएस गाड़ी कुछ ऐसे कुछ नजर आते हैं, और ये प्रोजेक्टर्स भी ऑन हो गए हैलोजन के साथ, तो ये कुछ लुक आती है। तो लुक तो गाइस आज भी मतलब नई वाली बलिनों को भी बीट करती है। तो यहाँ पे एक बार ओपन करते हैं अपने इसको बॉनेट को। सो ये आवाज़ है गाइस, देख लो, मतलब सीएनजी बहुत अच्छे से जा रही है। हमने सीएनजी की फिक्सिंग यहाँ करवा रखी है, बिल्कुल शोर नहीं गाइस, फोर सिलेंडर इंजन है, 82 बीएचपी वाला, बहुत स्मूथ रहता है। सीएनजी की प्लेटिंग यहाँ पे लगा रखी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम, सिक्वेंशियल है, पूरा स्विच बोर्ड बना रखा है। यहाँ देखो ये पूरा प्रेशर इसमें ऐसे रहता है, 2000 के आसपास दिखाता है, फुल करेंगे तो पूरा आपको दिखेगा ABS, पूरा सेफ्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस गाड़ी के अंदर सारे फीचर है, और SH गाइस अभी तक गाड़ी हमने चलाई तो कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, ब्रेकिंग में, ABS में कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं हुई सीएनजी के अंदर, तो काफ़ी बढ़िया है। साउंड देखते हैं, अभी सीएनजी में शिफ्ट होती रहती है जैसे, तो कोई साउंड नहीं है, आप सुन सकते हैं। सो ये एक्सपीरियंस है गाइज, और अगर मैं आपको अंदर से भी दिखाऊं, सो एक बारी मैं आपको चला के भी दिखा देता हूं गाड़ी कैसे कुछ आवाज आती है। सो आप जब चलाएंगे गाड़ी को तो ऐसी टूं करके वेलकम साउंड होता है, क्योंकि सीएनजी पे शिफ्ट होती है गाड़ी, तो सिक्वेंशियल गाइज यही फायदा रहता है। ऑटोमेटिक पेट्रोल पे जाती रहती है गाड़ी, क्योंकि आपको गाड़ी तो ऑब्वियसली पेट्रोल में ऑन करना, तो पेट्रोल थोड़ा सा गाड़ी के अंदर डाल के भी रखना पड़ता है। बाकी शोर नहीं है बिल्कुल गाइज गाड़ी में ना, मतलब जैसा लगा के वो होता है ना, वो शोर बिल्कुल नहीं है गाड़ी के अंदर, और बहुत ही कंफर्टेबल चलती है, और हायर स्पीड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जैसे पहले तो क्या था कि 90-100 बहुत इजीली चली जाती, अब थोड़ा सा टाइम लेती है, बट गाइज बहुत स्पोर्टी सी वे में गाड़ी चलती है, और इतना रिलैक्सिंग इसका रहता है कि मतलब मैं अपनी दूसरी गाड़ियों में थक जाता हूँ, बट इसको चला के मैं कभी नहीं थकता, तो ये इसका बहुत पॉजिटिव रहा हमारे लिए। और गाइज 160-170 किलोमीटर 400 रुपये में, मतलब पेट्रोल के रेट्स आज के टाइम में 100 के आसपास हो गए हैं, तो गाइज मुझे तो ये चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक सही पैकेज बनेगा। तो गाइज इसमें बेसिकली लोगों के डाउट क्लियर हो गए कि जो अपने कल को मान लो बलियो सीएनजी लेने जाएंगे, ग्लैंजा सीएनजी लेने जाएंगे, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा सा ये आइडिया क्लियर हो जाएगा कैसी गाड़ी चलती है। और गड्ढों में देखो, इस गड्ढों में भी गाड़ी लगती है तो बिल्कुल जंप करती है, जो कि पहले नहीं होता था। पहले तो लिटरली गाइस सस्पेंशन ऐसा लगता था पीछे से लग रहा है, तो अब ये बलिनो बड़ी स्मूथ हो गई है। और गाइस इसके इंटीरियर देखो, मतलब आज ही मुझे ये वाला डैशबोर्ड, मतलब पुरानी वाली, मतलब जो नई वाली अभी आई है, उससे ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि इसका बहुत ही स्लिम है, और उसका थोड़ा ना हेड थोड़ा ऊपर कर रखा, तो वो मुझे टाइम इतना पसंद नहीं आता। इस गाड़ी बहुत बढ़िया है और स्मूथ चलती है, अगर इसको आप डेफिनेटली सीएनजी में ही भगाएंगे तो डेफिनेटली बहुत कूल आता है। तो मतलब अगर आप बलिनो में 1.2 के साथ लेंगे तो आपको जो पावर का सर्ज है वो बिल्कुल कम नहीं होने वाला। तो ये थोड़ा सा वो है, तो खाली रोड है, और मैं आपको 0-100 भी दिखाता हूँ। एसी ऑन है अभी, तो आफ्टर मार्केट सीएनजी लगाने के आपके फायदे भी है, मतलब गाड़ी इतनी जल्दी नहीं उठती, मैंने पूरा पुल कर रखा है, बट अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ये थोड़ा सा रहता है, बट गाड़ी अचीव जरूर कर लेती है। तो ये है, काफी मजा आता है इसको चला के, और खिंचती है ना तो बड़ा सही लगता है, कि सीएनजी में भी गाड़ी बिल्कुल अंडर पावर्ड नहीं है, और बहुत अलग सा इसका फील आती है। अभी जैसे इसका पूरा देखना आप, काफी लॉन्ग ट्रैवल है, थोड़ा शोर कर रही है गाड़ी, बट गाड़ी उठ भी बहुत अच्छी से रही है, लगेगा नहीं आपको गैस सीएनजी में चला रहे हैं। 100 करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट 80-90 पे बहुत सॉलिड जा रही है। और मेन बात तो ये है गाइस कि अगर आप इसको रेगुलर उसमें चला रहे हैं रोड्स पे, तो आप गाइस इतना चला ही नहीं पाएंगे। अगर दिल्ली साइड आप रेगुलरली चलाते हैं, दिल्ली NCR में, तो 70-80 आपके एवरेज स्पीड के, उसके बहुत अच्छा मैनेज करती है। तो काफी सक्सेसफुल मेरा ये प्रोजेक्ट रहा सीएनजी लगाने का। सो ये एक एक्सपीरियंस है गाइज, और आपको कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कुछ क्वेश्चन आपके इस गाड़ी से रिलेटेड, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, या कुछ प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं आ रही, तो वो सारी मैं आपको बता दूंगा कॉमेंट सेक्शन में। सो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके जाना गाइज। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।